हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत ही सुंदर से सुबह के साथ बहुत ही सुंदर से शुरुआत, और आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े कर रहे होंगे। और आज चेतन की छुट्टी है तो ब्लॉग थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गया है। और इनको देखिए, आज इनकी छुट्टी और ये काम पे काम किए जा रहे हैं। हाँ भाई, काम ही करना था तो ऑफिस से चले जाते। बस थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा बाकी था। सुबह से बैठे हो आप इस पे। अब तो हो गया, अब क्या काम है। नाश्ते में क्या खाओगे? कुछ नहीं, पोहा बना रहे। पोहा नहीं तो डोसा। पोहा नहीं तो डोसा, ठीक है ठीक है। कितनी देर का काम आ रहा है? बस हो गया, अब तो बंद कर रहा हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि डोसे बना लूंगी, पर डोसे बनाने के लिए थोड़ी सी मुझे लाइट की जरूरत है, बट लाइट अभी है नहीं। सुबह सुबह पता नहीं क्यों चली गई है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं डोसे कैसे बनाती हूँ। मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वर्कआउट छोड़ा हुआ है। तो अब सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत घर के अंदर ही स्टार्ट किया जाए। सीधा जिम जाऊँगा तो बेस्ती हो जाएगी। तो घर के अंदर वर्कआउट करेंगे, यही सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से अभी इस वक्त के लिए। और उसके बाद करेंगे नाश्ता, उससे पहले करना तो बनता नहीं है। तो एक बार देख लेते मोनिका क्या बना रही है। क्या बना रही है मोनिका? देखिए, छुट्टी वाले दिन पराठे कौन खाता है बताओ मुझे। कुछ बनाए, डोसा, इडली है, केसर की राबड़ी। कोई नहीं, एनीवे मैं करता हूँ वर्कआउट स्टार्ट। बना रही हूँ पराठा। पराठे के लिए मैंने लिया है इस पे सबसे पहले घी। घी लेके इसको अच्छे इवनली हर चारों तरफ फैला दूंगी। मतलब ये पराठा ना बहुत टेस्टी लगता है सच में। और घी फैलाने के बाद में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा, बहुत थोड़ा सा डालें, थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन से ना एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसको खाते टाइम। और इसमें मैं डालूंगी हींग। हींग भी बहुत ज़्यादा ना डालें वरना पराठा खारा खारा लगेगा। थोड़ी सी हींग डालें। थोड़ी सी हींग डालने के बाद में मैं इसमें डालूंगी बेसन। बेसन थोड़ा सा भून के रखें, अगर आप ऐसे यूजली पराठे बनाते हैं तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। और इसमें डालूंगी थोड़ा सा और घी, और थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें मिर्ची, लाल मिर्ची डालूंगी, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। और मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं। बट इसमें जैसे कि बेसन वगैरह डाला ना, तो थोड़ा उस हिसाब से नमक डालें। और इसको कर दें थोड़ा सा मिक्स, थोड़ा सा फैला देंगे मिक्स करते करते। ऐसे बहुत सूखा सूखा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर थोड़ा सा घी और जाएगा। इवनली ये चारों तरफ से इसको ऐसे 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 फैला देंगे। अब मैंने ना इसको नाइफ से काट लिया और इसके ऐसे राउंड 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 कर दूंगी। फिर इसके ऊपर ये थोड़ा सा ये रखा ऐसे, और उसका फिर से गुल 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 गुल, इसके ऊपर ये वाली लेयर रखी। सबसे नीचे छोटी वाली दोनों साइड की लेयर में डाल देती हूँ, ताकि वो यू नो ऊपर जो बड़ी बड़ी लेयर सब वो आ जाए। फिर सबसे मोटी ये, तो इसके बाद में डालूंगी ये। इसको थोड़ा सा अंदर रख के राउंड 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 राउंड, ये ना फिर लच्छे पराठे जैसा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। और आपने ऐसे नहीं डाला है, मतलब ये चीज़ आप देख रहे हो फिलिंग जैसी नहीं है, ये अच्छे से स्प्रेड हो गई है इसके ऊपर, तो ये निकलती भी नहीं है। ये डालेंगे इसको ऐसे 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 किया, ऐसे किया, दैट्स इट। लुक एट दिस, ये लच्छे पराठे जैसा हो जाता है। अब इसको हम बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको बेल लिया, आप देखोगे अलग 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 ये लेयर्स दिख रही है। अब ये तवे पे जाएगा, और थोड़ी देर में जब ये सिक जाएगा तो इस पे अलग से वो लेयर सारे दिखने लग जाएंगे। तो हम लोगों ने अभी मूवी देखना स्टार्ट किया था, फिर लगा कि चलो पॉपकॉर्न भी खाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि पॉपकॉर्न के साथ तो कोल्ड कॉफ़ी भी पी जा सकती है, तो चलिए कोल्ड कॉफ़ी और पॉपकॉर्न बनाते हैं और खाते हैं मूवी के साथ। खाते टाइम मैं हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बटर डालती हूँ कुकर में, और बटर नहीं होता तो घी और थोड़ा सा सॉल्ट डालती हूँ। उससे ना बहुत अच्छा था, क्रीमी क्रीमी सा एकदम बड़ा अच्छा वो बनता है। कुकर पर चढ़ा देंगे
और मेरे पास आज ये दो पॉपकॉर्न के पैकेट्स हैं, एक है ये कौन सा गोल्डन सीज़र और ये है चिली सरप्राइज़। ये हमने कभी ट्राई नहीं किया चिली सरप्राइज़, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम ये ट्राई करेंगे। मैं सोच रही हूँ दोनों को मिक्स करके बना लूँ और दो पैकेट बन जाएगी। तो ये मैंने डाल दिए पॉपकॉर्न, बटर भी पिघल गया है तो सबको थोड़ा चला देते हैं। गैस को किया थोड़ा सा तेज़, एक्चुअली सीटी है ना इसकी यहाँ यहाँ तक अंदर तक भर जाता है, एक दूसरे साफ़ नहीं होता। ये सीटी निकाल के इसका से करके रख देंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, उसके लिए मैंने ले लिए कॉफ़ी, मेरे पास है मिल्क पाउडर और चॉकलेट सिरप और चॉकलेट पाउडर। ठीक है, एक बार मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले ये मिल्क पाउडर डालूँगी। मैं मिल्क पाउडर लगाऊँगी, दो लोगों की कॉफ़ी बना रही हूँ तो एक चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। ये रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स है, सॉरी रोस्टेड कॉफ़ी है, बीन्स नहीं है। तो ये इसको डाल देंगे, कॉफ़ी का टेस्ट आना चाहिए। और मैं डाल दूँगी यहाँ पे एक चम्मच मैंने डाल दिया है चॉकलेट पाउडर, और इसको एक बार मैं ड्राई मिक्स कर लूँगी। इसको कर देंगे बंद और इसको कर लेंगे ग्राइंड। ड्राई मिक्स करने से कुछ ऐसा हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी मिल्क, थोड़ा सा और मुझे लगता है जाएगा। मैं इसमें शुगर डालना तो भूल गई। अगर आपके पास मोटी शुगर हो दाने वाली तो आप उसको पहले डालें। मेरे पास जैसे ऑलरेडी पीसी हुई शुगर है तो मैं पीसी हुई शुगर डाल के इसमें मिक्स कर लूँगी, क्योंकि दूध ठंडा होता है, फ्रिज का होता है, कोल्ड कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो वो मिक्स नहीं होती है जल्दी से। इसलिए मेक श्योर, मैं डालना भूल गई थी, आप लोग जब वो पाउडर कर रहे हो उसी टाइम पे शुगर डाल के उसका पाउडर कर लो, उसके बाद में दूध के साथ मिक्स करोगे तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और मैं अभी पाउडर शुगर इसमें डाल दूँगी, पाउडर शुगर मेरे पास है। बर्फ डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सीरप, जो ग्लास में ऐसे 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 लगा के डालेंगे। जितना भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी बर्फ मैंने इसमें डाली हुई है, ये डाल देंगे इसके अंदर। अभी ये कुछ इस तरीके से हमारी कॉफी रेडी है। मैं और मोनिका आ गए हैं थोड़ा सा टेरेस पे घूमने के लिए, क्योंकि शाम को यहाँ पे बड़ा ही सुहाना मौसम हो जाता है आज वैसे अच्छा हो जाता है। हाँ, थोड़ा बारिश जैसा मौसम था एक्चुअल में, इतना भी नहीं पर थोड़ा बहुत था, बाकी तो बारिश हो ही जाती है। सो जस्ट लुक अराउंड, सो ये जो है पता नहीं क्या है, पता नहीं पर कुछ तो बन रहा है, आई डोंट नो क्या है ये। ये हो सकता है किसी पैनल का वेंटिलेशन के लिए कुछ शायद, क्योंकि हाँ बड़े बड़े टनल्स के अंदर यूज़ होते हैं तो ये शायद वो हो सकता है, आई डोंट नो क्या है। तो हम दोनों आ गए हैं थोड़ा टेरिस पे वॉक करने के लिए, शाम का बड़ा ही सुहाना मौसम हो रहा है। क्यों ना वहाँ ऊपर चल के देखा जाए एक बार, वहाँ क्या है, अलाउड है? अलाउड तो क्या नहीं है। छुट्टी का दिन था, कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता यार। छुट्टी का दिन तो मतलब सुबह सुबह तो थोड़ा ऑफिस का काम था एंड उसके बाद फिर सो गया, उठने के बाद एक मूवी देख ली विक्रम मूवी
अच्छी मूवी थी, बट नो डाउट अच्छी मूवी थी, है ना? अच्छी थी मूवी, बहुत अच्छी थी। चेतन की छुट्टी होती है और मेरी डबल शिफ्ट हो जाती है, पूरे दिन सिर्फ खाना और तो खाना। खाने के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने मूवी देखी और कुछ वैसे क्या ज़्यादा कुछ नहीं खाया यार, कुछ भी। क्यों, सुबह अपन ने नाश्ते में खाया था। ठीक है छोड़, जो भी खाया था। तो अब कुछ ज़्यादा खा लिया तो थोड़ा वॉक करने आए हम लोग टेरेस पे एक्चुअल में। वैसे नीचे भी कर सकते थे वॉक, बट यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है तो मेरे को लगा टेरेस पे वॉक करते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है। बहुत ही सुंदर प्लेग्राउंड है उस तरफ, राइट? और आप देख ही रहे हो क्लाउड्स कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ से। मौसम एक्चुअली काफ़ी अच्छा हो जाता है भीलवाड़ा में, मतलब इतनी भी गर्मी नहीं आने के बाद से, हमें अराउंड एक महीना तो हो गया होगा ना अभी। एक महीना हो गया, बट यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है, बहुत भयंकर गर्मी वैसा नहीं कुछ है। अच्छी हवाएं हैं, अच्छा मौसम है, ठंडा सा सुंदर मौसम है। और ऑब्वियस है कि सावन चल रहा है तो मौसम अच्छा ही रहेगा। दो इंस्टॉलमेंट खत्म हो गई, लास्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी। दो बार बाहर चले गए थे एक्चुअल में हम कहीं बीच में, क्योंकि हम बीच में मूवी छोड़ छोड़ के कभी चले जा रहे हैं, तो अभी हम लास्ट फाइनल हमें है कि नहीं इसको खत्म करना ही है। काफी अच्छी मूवी है तो हमने कुछ खत्म करके सोई है। कमाल किया, आप भी बिल्कुल देखिएगा विक्रम मूवी, मेरी तरफ से गजब देख लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। यस, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन। यस, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर ऑल्सो। या, बाय।